नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में आप जेल जाने से कैसे बच सकते हैं। यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसी दशा में दो ऐसे तौर तरीके हैं जिनके कारण यानी जिन्हें अपनाने से आप जेल जाने से बच सकते हैं, जिनमें सबसे पहला सीआरपीसी का सेक्शन 438 है। सीआरपीसी के सेक्शन 438 यानी 438 में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है। एंटीसिपेटरी बेल क्या है इस पर मैं पहले से ही एक वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी इसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी दशा में आप गिरफ्तार किए जाने से पहले ही हाई कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उस मामले में आपको गिरफ्तार नहीं किए जाने के विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवा लेते हैं। ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जबकि दूसरा ऑप्शन आपके पास सीआरपीसी का सेक्शन 482 यानी 482 है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 के अनुसार जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी दशा में आप उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट के समक्ष आप उस एफआईआर को क्वेश कराने के संबंध में सबूत पेश कर पाते हैं और हाई कोर्ट आपके मामले में ये विश्वास करता है कि ये मामला पूर्णतः झूठे तथ्यों के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया है, तो ऐसी दशा में उस एफआईआर को क्वेश करने तक के आदेश दे सकता है। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सकता है, जबकि 482 की एप्लीकेशन केवल हाई कोर्ट में पेश की जा सकती है। यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज करवाया गया है तो ऐसी दशा में आप 482 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आप उस मामले में अपनी अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए सीधा आवेदन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को न करते हुए हाई कोर्ट को करते हैं तो ऐसी दशा में हाई कोर्ट आपसे ये पूछ सकता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन क्यों नहीं किया। तो सीआरपीसी के सेक्शन 438 के मामले के संबंध में मेरा यही सजेशन है कि जब भी आप कोई आवेदन करें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष ऐसा आवेदन करें, और यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष से जो आपने आवेदन किया है वो खारिज हो जाता है तो ऐसी दशा में आप हाई कोर्ट के समक्ष उस मामले में अपील कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं। यदि हाई कोर्ट आपके मामले को विचार करने के बाद ये पाता है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल दिए जाने के पर्याप्त आधार हैं, तो ऐसी दशा में आपको हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के आधार पर आपको गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश दे देता है। जब कोर्ट के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो कोर्ट ऐसे समय में कुछ शर्तें अधिरोपित कर सकता है जिनके तहत आपको विदेश जाने से रोका जा सकता है। साथ ही आपको पुलिस अधिकारी के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जब भी आपको बुलाया जाए उपस्थित होने के आदेश दिए जाते हैं, तो आपको उपस्थित भी होना होता है। साथ ही जब एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है तो ऐसी दशा में कोर्ट यह भी देखता है कि आपको यदि एंटीसिपेटरी बेल प्रदान कर दी गई तो ऐसी दशा में आप मामले के किन्हीं तथ्यों को या मामले की जो भी एविडेंस है उन्हें प्रभावित तो नहीं करेंगे, या किसी व्यक्ति को जो साक्षी है उसे उस मामले में साक्ष्य नहीं देने के लिए धमकी नहीं देंगे। और सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत जो भी हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन किया जाता है उस समय आप जब भी आवेदन करते हैं तो सबूतों को उस समय पेश भी करें, यानी कि 482 के जो आवेदन किए जाते हैं हाईकोर्ट के समक्ष तब आपके पास जो भी पुख्ता सबूत हो वे सब उस आवेदन के साथ प्रस्तुत करें। यदि हाईकोर्ट को 482 की एप्लीकेशन पर विचार करने के बाद ये विश्वास होता है कि आपके खिलाफ जो भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो झूठे तथ्यों के आधार पर करवाई गई है, तो ऐसी दशा में आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर को रद्द किए जाने के यानी क्वेश किए जाने के भी आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन जब भी हाईकोर्ट के समक्ष 482 की कोई एप्लीकेशन आती है तो ऐसी दशा में हाईकोर्ट उस थाने से केस डायरी भी तलब करता है जिस थाने में आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है और उस संबंध में आपने 482 की एप्लीकेशन लगाई है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिनके तहत यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसी दशा में आप जेल जाने से बच सकते हैं। यानी जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो ऐसी दशा में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ले सकते हैं, और यदि आपको ये लगता है आपको पूर्ण विश्वास है कि आपके मामले में
जो भी एफआईआर दर्ज की गई है गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है और आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो आप सबूतों के साथ हाईकोर्ट के समक्ष 482 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जिस पर ऐसा हाईकोर्ट विचार करने के बाद यदि हाईकोर्ट ये पाता है कि आपके खिलाफ झूठे आधारों पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है, तो उस एफआईआर को निरस्त करने यानी उसके क्वेश करने यानी रद्द करने के आदेश दे सकता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलते रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी, और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।